दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद पटना प्रशासन एक्शन मोड पर है। दरअसल प्रशासन ने जिले के 138 कोचिंग संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। इस लिस्ट में वो कोचिंग शामिल है जो नियमों का पालन करने में असफल रहे। बता दें, पटना के डीएम द्वारा एक टीम बनाई गई और जांच में कुछ संस्थानों को अयोग्य पाया गया। इस मुद्दे पर डीएम की अध्यक्षता में कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक भी हुई, जिसमें गैर पंजीकृत 138 कोचिंग संस्थानों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही बिना पंजीकरण के चल रहे कोचिंग संस्थानों पर 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का निर्देश भी दिया गया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पटना जिले में कुल 936 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 413 को रजिस्टर कर लिया गया। बाकी 523 इंस्टीट्यूट में से 138 की जांच की गई, जिनमें से सभी अयोग्य पाए गए। डीएम ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के संचालित नहीं होगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थान में एक बच्चे के लिए 1 वर्ग मीटर का एरिया होना चाहिए। जिस जगह पर कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, वहाँ एंट्री और एग्जिट में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन कुछ खास बातों को अनदेखा ना किया जाए और उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि पटना जिले में कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए कुल 7 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 6 सब डिविजन लेवल और 1 डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम बनाई गई थी। पिछले 10 दिनों में 508 कोचिंग संस्थानों की जांच की जा चुकी है। जिन कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिया गया है, उन्हें 2 हफ्तों में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपए, दूसरी बार के लिए 1,00,000 रुपए और तीसरी बार उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान भी है। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।